ठीक है की बात नहीं करोगे? तेरा बाप गोल टोपी पहनता होगा, मैं तो टीका लगाता हूँ। नंगा ईद पर आया था क्या? घंटा लेके जाएगा? हाँ। तेरा बाप हिंदू है और तेरा बाप अब्दुल है, समझ में आई बात? मतलब किसी को इससे मतलब नहीं है कि इंसान मर रहे हैं, सबको इससे मतलब है हिंदू मर रहा है। गुरु मराठी का बेटा ही मेरा बाप यार है, चल ना, कटा हुआ है तेरा, चेक करवा ले जा। हिंदुस्तान में बैठकर रैलियां निकाल रहे थे जब हमारी प्रॉपर्टी को जलाते हैं धर्म के नाम पर। सेकुलर कब बना? क्या देश जब आजाद आजाद हुआ तभी सेकुलर बन गया? तब बन गया था क्या? तब सेकुलर था, बाद में जोड़ा गया। लेकिन क्यों जोड़ा गया? वो भी इमरजेंसी के टाइम पर, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी? रुक जाओ यार। आपसे पूछा गया था आप सेकुलर बनना चाहते हो या नहीं? आपको वो दर्द नहीं है? आप बाद में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी भूमि देकर लाहौर में भूमि छोड़कर जो भागे थे उनको पता है बंटवारे का दर्द क्या था, और आपने खैरात में भागना शुरू कर दिया सेकुलर सेकुलर सेकुलर। अगर एक साथ रहना था तो फिर देश का टुकड़ा क्यों किया? फिर आपको सेकुलर क्यों बनाया? सेकुलर का मर्द क्या है, समझो एक चीज, बेदीन। इनके लिहाज में देखा, क्या कोई भी मुस्लिम अपने आप को कहेगा कि मैं बेदीन बेईमान हूं? बेदीन मतलब जो सब धर्म का सम्मान करता हूं। धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है? धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है? संविधान में भी नहीं लिखा ये, बताइए धर्म निरपेक्ष का क्या? किसी का धर्म नहीं है, आप उसका पालन नहीं करोगे और राइट टू रिलीजन दे रहे हो, फिर एक समाज को आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहे हो, एक समाज को आप वक्फ बोर्ड दे रहे हो, और सनातन बोर्ड को अपने वो बनाते ही नहीं हो, समझो इस चीज को। आपने क्या कर दिया देश को इस तरह से, इतना बड़ा भूभाग देने के बाद भी सरकार से उसमें भी वक्फ बोर्ड में भी तब्दीली ला रही है भाई। हो गया ना, अब सुधार हो रहा है। एक मिनट सर, कानून तो पास हो जाए। नकली तो पास होने दो, पहले जो विपक्ष समर्थन तो करे, कानून तो पास हो जाए। अभी से बाप बाप छाती छाती चिल्ला रहे हैं, और जैसे लग रहा है कि उनके घर पे तो कोई दावा नहीं हुआ। किसी भी मुझे दिखा दो विपक्ष के एक नेता के किसी प्रॉपर्टी पे बोर्ड का दावा हो, नहीं होगा। इस बात को नहीं मानेंगे वो नहीं बोलेंगे, उनके कब्जे थोड़ी हो रहा है। जैसे अयोध्या में अभी रेप हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए जांचो, उनकी बेटी का होगा तो वो कहेंगे डीएनए जांचो। भैया डीएनए करवा रहे हैं ना वहाँ पर? हाँ ठीक है, अरे वो तो पता, यहाँ बात बेटी की है तो डीएनए मांग रहे हैं वो, ठीक है। एक आरोपी दूर का है, कोई अपना पास का भी नहीं है, उसके लिए डीएनए। मगर अगर वक्फ जो है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ नजर डाल दे और नोटिस निकाल दे ये मेरी है, और आप चिल्ला भी नहीं सकते, डायरेक्ट आपको अपील करने का हक ही नहीं है। करोगे तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, कहाँ पे? लोअर कोर्ट कोई भी नहीं, प्लस प्राइमरी कोर्ट कुछ नहीं, सीधे हाई कोर्ट। आप वहां जाकर अपील करोगे, वो भी परमिशन लेकर वक्फ की। ये पावर किसने दी? वक्फ कानून ने दी भाई, कानून ने। किसने बनाया उस वक्त? अमेंडमेंट किसने किया ये पूछता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबरी का दर्जा दिया था, सारे धर्मों को एक सत्भाव संभाव की बात करी थी, तो ये अतिरिक्त पावर क्यों दी गई तुष्टिकरण के नाम पर? आज ये ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, मैं आपसे बोलता हूँ। आज जाति जनगणना चित याद आ रहे हैं, बाप ने नकारा, ना जो दादी थी उसने नकार दिया, फिर कई दशकों तक और प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जाति जनगणना का नाम नहीं लिया। अब ही क्यों ओबीसी याद आया? क्योंकि मुस्लिम विक्टिम, जो मुस्लिम कार्ड था ना वोट बैंक वाला, वो दो पिछले दो टेन्योर से ना 2019 में भी 2014 में भी फेल हो गया। अब कहते हैं कि अब सत्ता चाहिए तो अब ये मुस्लिम कार्ड सिर्फ काम नहीं करेगा, अब हिंदू को बांटना है ओबीसी के नाम पर, दलितों के नाम पर, फलानों के नाम पर, फिर हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम हमें सरकार नहीं बनाने दे सकता। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुस्लिम लोगों की तो प्रॉपर्टी है, उसमें क्या दिक्कत दखल करना है? विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों को बांटना चाहते हैं आप लोग। क्या 1538 साल पुराना एक गांव और मंदिर, उसमें जो प्रॉपर्टी थी, इस्लाम 1400 साल पहले आया और वो 1500 साल पुरानी साउथ में वो क्लेम करता है, क्या आपका जमीर जागता है उस वक्त? तब आप प्रश्न करते हो, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो प्रश्न करते हैं कि ये कैसे आ गया। आज ये पूछना पड़ेगा। एक मिनट, वक्फ एक्ट क्या है? 1914 में पहला ड्राफ्ट हुआ था अंग्रेजों के टाइम पर। वक्त प्रॉपर्टी है क्या? पहले समझिए इसको, पहले समझना क्या है, है क्या? देखो देखो सुनो, सारे सवालों का जवाब जो है ये लिखा हुआ है, ये देखो इधर करो कैमरा हटाओ, क्या लिखा हुआ है? ये नंगा 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 ही तो आया था क्या? घंटा लेके जाएगा? हाँ यही है जवाब। मतलब किसी को इससे मतलब नहीं है कि इंसान मर रहे हैं, सबको इससे मतलब है हिंदू मर रहा है। भाई जन्म से आया था क्या वो हिंदू बन करके? ये देखो करना, फिर वो मुसलमान कौन आता है? आके बाद ही बनाना पड़ा तुम्हें।
कटवा के कौन धर्म परिवर्तन करता है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इंसान मर रहा है या नहीं मर रहा है, क्यों नहीं मतलब है? एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये बांग्लादेश की बात है, यहीं पर आज चार कत्ल हुए हैं, चार हिंदुओं के, जानते हो उनके नाम? बताओ ना क्या नाम है, तुम्हें पता है? नहीं मेरे को तो पता है, तुम बताओ ना। मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना। मुझे तो बांग्लादेश का पता है, मुझे तो जहांगीरपुरी का तुम्हें बस चिल्लाना है, तुम्हें बस पी के आके चिल्लाना है और ध्यान देना है, टीका लगा के आने से कुछ नहीं होगा। टीका पे सो ना पीछे, दो दारू पी के दो कौड़ी का ज्ञान देने नहीं आना। मैं समझाता हूँ, एक मिनट आपको, एक मिनट रुको, टीका लगा के आगे टीके पे आप कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हो? टीका लगा रहे, ये कटे हुए हैं, ये कटे, ये कट्टे हुए हैं। आप टोपी लगा के घूम सकते हो, टीके की बात नहीं करोगे आप? सुनो, तेरा बाप गोल टोपी पहनता होगा, मैं तो टीका लगाता हूँ, ये बता। एक मिनट, पहली बात, एक मिनट, हिंदू है इधर, पहली तेरा बाप हिंदू है, एक मिनट बात सुनोगे आप? हिंदू नहीं लग रहा तू तो, तेरा बाप हिंदू है और तेरा बाप अब्दुल है, समझ में आई बात? तेरा बाप आ रहा है, चलना, कटा हुआ है तेरा, चेक करवा ले जा। तो इसको तो समझा भाई, अपने बाप को कैसे कह रहा है? तिलक के ऊपर उंगली क्यों उठा रहा है? अपने बाप के तिलक के उंगली पे कैसे? सुनो, बाप पे कैसे ऑफ द लाइन? एक मिनट, तेरा बाप तो मैं हूं। एक मिनट, इस भाई को, आपको इन चार हिंदुओं की चिंता है, यहाँ लॉर्ड ऑर्डर, एक मिनट सुनो, सुनो भाई, सुनो, पहले मेरी एक बात सुन लेना, एक मिनट चुप करके सुनना, एक मिनट, आपने बोल दिया ना, अब सुनना इनको, यहाँ के, मुझे अच्छा लगा कि इस भाई को यहाँ की भी चिंता है, यहाँ चार भाई मर्डर हुए, वो क्राइम में आ रहा है, वो क्या है, वो एक मिनट, वो क्रिमिनल है, यहाँ कोई तानाशाही वाला वो नहीं चल रहा वहाँ पे, कि यहाँ घर पे घुसकर, एक मिनट, वहाँ सिविल वार, वहाँ सिविल वार चल रही है, और यहाँ जो क्रिमिनल होगा ना, पुलिस वहाँ पे पकड़ेगी, कोई यहाँ पे अंधेर नगरी नहीं है, यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, काम कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नहीं है। एक मिनट, एक सब समझो, आज यहाँ पे आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मेरे को जो बोलना था वो बोला है, ये देखो ये क्या है, ऑल आइस बोला है, हमास के लिए, ऑल आइस ऑन गाजा, ऑल आइस ऑन हमास, ऑल आइस ऑन फिलिस्तीन। अच्छा, ये उसकी बात करने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, मगर हिंदू के लिए, हिंदू के लिए आपका विरोध क्या है, किस बात पर विरोध? मेरा विरोध ये है, अपने देश में अगर इतनी सारी चीजें हो रही है, यहाँ पे राजेंद्र नगर में कितनी दूर है यहाँ पे यार, वो सारी चीजें छोड़ करके तुम यहाँ अदर कंट्री की बात कर रहे हो, कितने दिन चलाया उसके बारे में बात? तब एक मिनट, मैं रोज रोज चल रहा, चल एक मिनट, यहाँ जब फिलिस्तीन के बोर्ड लगा लगा कर आपके संसद में जय फिलिस्तीन बोला जा रहा था, तब विरोध प्रदर्शन किया था, तब किया था, सब किया, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, तब हजारों किलोमीटर दूर वो हमास के लिए रो रहे थे, यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर रैलियां निकाल रहे थे, जब हमारी प्रॉपर्टी को जलाते हैं धर्म के नाम पर, तब ये शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में डाल देते हैं अपना मुंह ना, ये शुतुरमुर्ग की तरह अंदर डाल देते हैं। हम सनातनी है, हिंदुओं की बात करेंगे, पूरे पूरे विश्व में अगर कहीं पे भी कोई हिंदू है, अगर उसके ऊपर अत्याचार है ना, हम करेंगे। बदमाश हो मत, मेरे को बदमाश हो, वही कह रहा हूँ, बदमाश हो गया यार, ये दारू, नहीं दारू पीकर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने हक से बोलने का हक है, डेमोक्रेटिक कंट्री, बांग्लादेश भी, बांग्लादेश भी था, अगर वहाँ हिंदू मर रहे हैं, यहाँ पहुँच कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? इससे बुलवाओ, वो कहा गया है, दोगले हिंदू, जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं, पूर्व मराठी का बेटा है ये, समझ गया भाई, इनके विरोध, तेरा बाप हूँ मैं, जैसे तुम कर रहे हो, मैं बोल लूं तेरा बाप, जैसे तुम कर रहे हो, बाप हूँ मैं।